इस हफ्ते स्मैकडाउन में एज वर्सेस शेमस का मैच होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एज का आखिरी मैच हो सकता है। डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस हफ्ते स्मैकडाउन में एज अपना आखिरी मैच लड़ सकते हैं। एज अपने मैच के बाद रिटायर हो सकते हैं। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। रिडिक मॉस के करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटस को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रिंग साइड न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करंटली रिडिक मॉस के लिए कोई प्लान नहीं है। कोई नहीं जानता कि रिडिक मॉस के साथ क्या करना है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। बॉबी लैशली के ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड होने वाला है। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट के ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड होगा। ये अभी तक पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन ये नोट किया गया है कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन एनएक्सटी स्टार है जो कुछ समय से टीवी पर नहीं दिखा है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। लास्ट वीक स्मैकडाउन में रेमेस्टेरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्री का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। इस मैच में रेमेस्टेरियो नए चैंपियन बन गए थे। अब इस मैच को किसने प्रोड्यूस किया इसका खुलासा हुआ है। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेमेस्टेरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्री के मैच को रॉबर्ट रूड और जेमी नोबल ने प्रोड्यूस किया था। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के ओर। ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रिंग साइड न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल को सीक्रेट रखा जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है कि ब्रॉक लेसनर WWE में नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देंगे। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते थी, आते देखने के लिए धन्यवाद।